हफ्ते विच दो छुट्टियां दी वफाकी काबीना वालों मंजूरी दिते वञण दे बाद स्टेट बैंक ने भी हफ्ते को बैंकां बंद रखण दा ऐलान कर दिता है। कराची चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहले ही हफ्ते विच दो छुट्टियां दी मुखालफत कर चुकी है। दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट आफ पाकिस्तान भी हफ्ते विच दो छुट्टियां को मुस्तरद कर चुके। एक पासे अदालतां दी कार्रवाई हफ्ते को जारी रहंदी है ते दूजे पासे सारे कारोबारी मराकज भी हफ्ते को खुले रखे वेंदे जिनकी वजह तो आवाम को शदीद मुश्किलात दा सामना है। डिमांड है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, हमारी एक स्ट्रांग बेस है 17,000 मेंबर्स की। हम ये गवर्नमेंट को अर्ज करते हैं कि पहली सूरत में तो ये छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, ये नामुनासिब है। हमारी दो के बजाय तीन छुट्टियां हो जाती हैं जुमा में ला के, और अगर गवर्नमेंट जब तक ये डिसीजन रिवर्स नहीं करती उस वक्त तक बैंक जो है वो जो लंगड़े लूले खुले हैं कि आधे खुले आधे बंद, वो बैंक जो है 100% पूरे पाकिस्तान में कराची से गिलगित खैबर तक ये सारे बैंक खुले होने चाहिए ताकि हमारी ट्रांजेक्शन लोकल और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी पूरी हो। अदालतों की कार्रवाई भी बैंक बंद होने की वजह तो शदीद मुतासर थी पई है। जिथा एक पासे बैंक के फीसा के चलान भरण की आवाम परेशान थी, उत्थ ही रिहा थे वाले अफराद की रिहाई भी बैंक के सर्टिफिकेट न मिलने पर मुलतवी कर दी है। बाज़ अदारे जो ना वो बंद होंगे, बाज़ अदारे खुले होंगे। आप पंजाब को मिसाल ले ले, अगर पंजाब हुकूमत ने उसको मुसरद की है तो पंजाब तो दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। वफाकी अदारे एक काम करेंगे, सूबाई अदारे दूसरी तरफ काम करेंगे, तो पब्लिक क्या करेंगी? कारोबार सारा खुला हुआ है, बैंक बंद है। आप मुझे बताओ कारोबार कैसे होगा? अगर पोर्ट के जरिए वहां लोगों को शिपमेंट भेजनी हो तो वहां तो बैंक आपने बंद रखी है, तो कैसे करेंगे? साथ साथ आपने ये कहा कि बास बैंक है वो खुले रहेंगे, बास बैंक कहाँ खुले रहेंगे, किसको पता है? आवाम दा आखा ने जो कारोबारी मराकज तक खुले हुंदे पर लेन देन किते बैंकां दी अशद जरूरत महसूस थींदी है ते उन्होंने कारोबार भी बुरी तरह मुतासर थींदे पैन, जिन्हें किते हुकूमत को अपने फैसले ते नजरसानी करनी चाहिए। मुलजिम की जमानत होती है अदालत से और अदालत उसको हुक्म देती है कि आप जो है जमानत के लिए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीद के लाओ। जब वो बाहर निकलता है तो आगे बैंक बंद है, जब बैंक बंद है तो वो कहाँ से जो है ना वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लेके आएगा। इसी तरह इससे रिलेटेड जो सिविल कोर्ट्स हैं, अगर किसी को अस्टे का केस फाइल करना है या अपनी किसी और ग्रीवियंस का जो है ना वो सिविल सूट करता है तो सबसे पहले उसके लिए हम कोर्ट फीस खरीदते हैं लोग जो ना। कोर्ट फीस के लिए भी जो हमें स्टाम्प ऑफिस से लेनी पड़ती है क्योंकि ये भी वफाक के अंडर में आ रहा है स्टाम्प ऑफिस भी जो है ना, तो उसके लिए जो है ना आगे वहाँ से बंद होगा तो लोगों को जो है ना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हफ्ते को कारोबारी मराकज से अदालतें खुलिया तो बैंक बंद होने की वजह नाल आवाम को शदीद मुश्किल का सामना है। आवाम ने हुकूमत को मुतालबा किए जो हफ्ते को बैंक खुलिया रखिया वन जो अपने मामला जिंदगी आराम नाल सर अंजाम दे सकें। कैमरामैन अजहर भट्टी के नाल अदील कुरैशी, रोही टीवी, कराची।